दोस्तों मुझे इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस बनाऊंगा ऐसे, और यहाँ पे कुछ लाइंस बनाऊंगा ऐसे, और जी हाँ मेरा आंसर आ चुका है, इसका आंसर है 736। जी हाँ दोस्तों, मैंने बस खाली लाइंस बनाए और यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए समझने की ट्राई कीजिए, मैं दूसरा एक नंबर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ जैसे 25 × 30। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं ऐसे ही लाइंस बनाऊंगा, सिर्फ लाइंस बनाऊंगा, और यहाँ पे फटाक से मेरा आंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों, इसका भी आंसर आ चुका है, इसका आंसर है 750। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक, जिसे जापानीज ट्रिक भी कहा जाता है, उसमें मैंने ये बताया था कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एम पावर। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, मैंने ऊपर आई बटन लगाया है, आप वहां से जाके देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में जापानीज ट्रिक को कैसे फॉलो करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो अगर पहला पार्ट आप देख लेंगे तो सेकेंड पार्ट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने पिछले पार्ट में क्या क्या किया था। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट कैसे करते हैं जापानीज ट्रिक से, और 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट कैसे करते हैं जापानीज ट्रिक से। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई ऐसा थोड़ी ना होगा कि 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट आए, या फिर 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट ही आए। हो सकता है 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, आज मैं वो बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं अपना वीडियो। तो चलिए मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे 125 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो मान लीजिए हमें ऐसा नंबर दिया है, तो इससे पहले कि हम जापानीज ट्रिक से सॉल्व करें, हम पहले अपना नॉर्मल तरीका देख लेते हैं कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी हमें कोई नंबर दिया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे, तो हम क्या करते हैं, हम साइड में ऐसे करते हैं 125 × 21। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि हमने यहाँ पे देखिए, हमने ऐसे नहीं लिखा है 125 / 21, ऐसे नहीं लिखा है, हमने यूनिट डिजिट के रूल को फॉलो करते हुए राइट साइड से लिखा है। तो वही रूल इसमें भी फॉलो करेंगे। पहले मैं 125 को जापानीज ट्रिक से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 1, बाद में 2 लाइंस, उसके बाद यहाँ पे मैं 5 लाइंस बना देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डिजिट छोड़ के, ओके, एक डिजिट छोड़ के तब हमने 21 लिखा है। तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे, हम पहले डिजिट क्या करते थे, एकदम नीचे से लिखते थे, लेकिन हम एकदम नीचे से नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा सा मिडल से लिखेंगे, मिडल से लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम मिडल में ड्रॉ करेंगे और ये 1 हो जाएगा। ओके, जैसा हमने यहाँ पे एक डिजिट छोड़ा था, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ा, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम एक लाइन को छोड़ देंगे। अब देखिए वही रूल्स फॉलो करेंगे इंटरसेक्शंस के। तो यहाँ पे हम इन्हें काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हो गया 5। फिर उनके बाद इनको काउंट करेंगे तो हो गया 2, और 5 × 2 = 10, और ये 2 = 12, और यहाँ पे कैरी 1। उसके बाद यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं, तो यहाँ का नहीं गिनेंगे, सिर्फ इसका और यहाँ का गिनेंगे। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, और ये 5 और एक 6, और यहाँ पे भी देखिए सिर्फ इसी का गिना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं गिना जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा हो। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 213 × 32, ये नंबर मैंने ले लिया। तो अब यहाँ पे 2 लाइंस, ओके, उसके बाद 1, उसके बाद 1, 2 और 3।
अब देखिए कैसे लिखते हैं हम इसे नॉर्मल वे में, 213 और 32। ओके, तो यहाँ पे हम एक डिजिट को छोड़ रहे हैं, तो वैसे नीचे से भी एक गैप छोड़ देंगे और यहाँ सेकंड से स्टार्ट करेंगे मिडल से, क्योंकि तीन ग्रुप होते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर ड्रॉ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक ग्रुप को छोड़ देंगे, सेकंड ग्रुप से चालू करेंगे। तो यहाँ पे पहला डिजिट क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लाइंस बनाएंगे और उसके बाद 2। अब वही काम करेंगे, इंटरसेक्शंस को गिनेंगे, यहाँ के इंटरसेक्शंस को हम गिनेंगे तो ये हो जाएगा 6 और उसके बाद ये हो जाएगा 9 and 10 11 11, उसके बाद 2 2 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 13 14, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट 14 यहाँ पे है, ये आ जाएगा आपका ये आंसर। यहाँ पे सॉरी 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे आएगा 6। ओके, यहाँ पे 14 नहीं 6 आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप एक जीरो वाला नंबर ले लेते हैं जो कि ज़रूरी होता है, तो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ जिसका यूनिट प्लेस ज़ीरो हो। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 221 and 50। ओके, तो ये ज़ीरो वाला नंबर हो गया। तो मैंने पिछले पार्ट में भी अपने ज़ीरो वाला एक नंबर लिया था, तो आप वो देख लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए पहला डिजिट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा 2 लाइंस, उसके बाद वापस 2 है तो यहाँ पे भी मैं बनाऊँगा 2 लाइंस, और उसके बाद है 1 तो यहाँ पे 1 लाइन बनाऊँगा, और उसके बाद देखिए नीचे से एक ग्रुप छोड़ के मिडल में आना है, तो मिडल वाला है क्या, 5 है, तो यहाँ पे 5 लाइंस बनाएंगे, 4 और ये आ जाएगा आपका 5 लाइन। और यहाँ पे 0 है तो 0 के लिए या तो आप डॉटेड लाइन बनाइए या फिर कुछ मत बनाइए, तो यहाँ पे मैं एजम्पशन के लिए डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, या फिर आप कोई दूसरी कलर की पेन से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन को गिनना है, ये 0 वाले के लिए 0 रहेगा क्योंकि एक भी इंटरसेक्शन बन नहीं रहा, ये तो हमने एज्यूम किया है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 0। फिर बाद में इसको गिनेंगे तो यहाँ पे भी 0 है क्योंकि ये इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही है, बाद में ये हो जाएगा 1 2 3 4 and 5, और उसके बाद इस वाले पे टोटल करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी कोई लाइन नहीं आई क्योंकि ये दो ही डिजिट का नंबर है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे टोटल 10 है, और यहाँ पे दे देंगे कैरी। फिर बाद में इस वाले पार्ट को गिनेंगे, यहाँ पे भी लाइन नहीं बनी है तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी पार्ट को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे भी हो गया 10, और एक ये हो जाएगा ये कैरी वाला 11। तो इस तरह से आपका ये जीरो वाला भी आंसर आ सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो और जापानीज ट्रिक आपको अच्छे समझ में आ गई हो। स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क की है, अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके जापानीज ट्रिक से इसे सॉल्व कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बिना कैलकुलेटर यूज़ किए। ओके, तो चलिए मैं मिलता हूँ अपनी किसी नई वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। और एक और ज़रूरी बात, जब भी हमारी वीडियो आएगी रोज़ सुबह 10 बजे आएगी, ओके, तो यह बात ध्यान में रखिएगा आप, और 10 बजे ही हमारी हर वीडियो आएगी, तो आप रेडी रहिएगा हमारी वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और यूट्यूब पे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना 100% फ्री है, आप जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा पहला भी एक चैनल था अमेजिंग एंजॉयमेंट ऑफ मैथ्स, उसको भी मैं आई बटन में दे दिया हूँ, आप जाइए उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, और उस चैनल की वीडियो कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक और बात, आपको ये जो ट्रिक है अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिनिमम 10 सेकेंड्स, ज़्यादा नहीं लगेंगे, 10 सेकेंड में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
है।